Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, my channel name is Jitendra Kumar, economic 7050522391. Basically, आज का हमारा वीडियो जो कंटेंट करेगा टाइप वन एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, जिसमें मैं एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा और वो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ. फाइंड द एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व फॉर लेबर इम्प्लाइड ऑन ए 10 हेक्टेयर एंड बी 100 हेक्टेयर फाइंड एक्स इक्वल टू दैट इज द प्रोडक्शन फंक्शन 40 बाय ए प्लस बी टाइम्स 12ab minus 5a square minus 4 times b square is the wheat product for 100a man hour on b hectare of land. तो ये production function हमारा दिया गया है. सबसे पहले मुझे average और marginal product निकालना पड़ेगा. उसके बाद क्या है, दो questions है. a 10 hectare, तो b when b equal to 10 hectare what will be the value of apa and mpa, that means एवरेज प्रोडक्ट प्रोडक्टिविटी एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का वैल्यू क्या होगा जब बी इक्वल टू जी 10 एंड जब बी इक्वल टू 100 होगा तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी एपीए एंड एमपीए का वैल्यू क्या होगा. तो सबसे पहले हम लोगों को प्रोडक्शन जो फंक्शन दिया गया है उससे ले चलते हैं. हमको सबसे पहले फाइंड आउट जो करना है चीज वो है हमको एपीए एंड एमपीए. एपीए तो जानते हैं कि एवरेज प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्शन फंक्शन को ए से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है. तो प्रोडक्शन फंक्शन यहां दिया गया है 40 बाय ए प्लस बी, ठीक है. इसको किससे डिवाइड करेंगे, ए से, होल टर्म चूंकि मल्टीप्लाई है तो 12ab माइनस 5a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ठीक है. तो apa हमारा क्या फाइनली प्राप्त हुआ, 40 बाय ये नीचे ही रह जाएगा, ठीक है. a टाइम्स a प्लस b एंड टाइम्स 12 AB माइनस 5 A स्क्वायर माइनस 4 B स्क्वायर. अभी APA जो एवरेज प्रोडक्टिविटी हम लोग निकाल ली है, इसको यहां लिख लेते हैं, इसकी काम हमें बार बार आएगी. एवरेज प्रोडक्ट APA, एवरेज प्रोडक्ट इक्वल टू 40 बाय A टाइम्स A प्लस B 12 AB माइनस 5 A स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स B स्क्वायर. सेकेंड हमारा जो स्टेप होगा उसको मार्जिनल प्रोडक्ट को निकालना पड़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ A. तो MPA इसको कहेंगे. तो मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने के लिए लोग जानते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ता है. तो एम पी ए इक्वल टू डी एक्स बाय डी ए, यानी पार्शियल डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन को, किसके रिस्पेक्ट में लेना है, ए के रिस्पेक्ट में. आप यहां देखो 40 तो कांस्टेंट है, उसको एकदम बाहर कर दो, ठीक है. अब नीचे वाला क्या, ऊपर वाला हमारा क्या, 12 ए बी माइनस 5 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर, ये टर्म ऊपर चला गया, 40 को मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि सिंस इट इज अ कांस्टेंट टर्म. नीचे क्या है, a प्लस b. आप ये देखो कौन सा कोशिएंट रूल्स में ये आ गया है, इसकी हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a. तो आप a के रिस्पेक्ट में लोगे तो सबसे पहले इसकी बात क्या हम लोग समझाए थे कि पार्शियल डेरिवेटिव जब हम ले रहे हैं कौन सा रूल लगेगा, यहां पर कोशिएंट रूल्स लगेगा. तो फर्स्ट क्या होता है, ये ऊपर वाला हो गया फर्स्ट फंक्शन, नीचे वाला सेकंड फंक्शन. तो क्या हमने बताया था, साधारण सा तरीका है कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन को निकालोगे के रिस्पेक्ट में तो 12b माइनस 10a और ये जीरो हो जाएगा, ठीक है. टाइम सेकंड फंक्शन, हमारा सेकंड फंक्शन क्या है, a प्लस बी, मैंने वो लिख दिया. उसके बाद क्या करना रहता है, माइनस करना पड़ता है, ठीक है. फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन हम करेंगे तो ए के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, बी तो कांस्टेंट है,
टाइम्स फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन आपको दिया गया है 12ab माइनस 5a² माइनस 4b² ठीक है। उसके बाद होल स्क्वायर ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब सिंपली इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे और रिजल्ट को लेंगे। करते हैं, 40 बाहर रहेगा आउटसाइड, ठीक है। अब इसको पहला तो a से आप मल्टीप्लाई कर दो, 12b माइनस 10a, ठीक है। अगेन बी टाइम्स एक बार ए से होगा, फिर टोटल टर्म ये बी से होगा, 12b माइनस 10a, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया, यहाँ वन से होगा सेम होगा, लेकिन जो साइन है सबका बदल जाएगा, माइनस 12ab प्लस 5a² प्लस 4b², ये हमारा आ गया। ये ब्रैकेट को हम क्लोज करते हैं। अब यहां देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, 12b है तो 12ab माइनस 10a² ए से करेंगे, 12ab माइनस 10a² प्लस 12b² माइनस 10ab, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, इधर तो ऑलरेडी हो चुका है, 12ab प्लस 5a² प्लस 4b². अब कुछ टर्म यहाँ कट रहा है, उसको काटना पड़ेगा, जैसे 12ab प्लस 12ab एंड माइनस 12ab कैंसिल। यहाँ देखिए माइनस 5a² और यहाँ प्लस 5a², तो क्या हो जाएगा, और नीचे वाला टर्म को हम लोग इग्नोर कर दिए हैं, तो यहाँ बाहर में हम लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है। अब यहां पर आप देखो, हम लोगों ने निकाला क्या, 40 रहेगा ही a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद जो आ रहा है माइनस 5 माइनस 10a² में प्लस 5a² चल जाएगा, तो क्या होगा, माइनस 5a² फिर माइनस 10ab माइनस 10ab, ये क्या, ये यहां तक हो गया। अब आप देखो 12ab² एंड प्लस 4b² क्या हो जाएगा, 16b², तो हम लोगों ने MPA को भी निकाल लिया। MPA बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं, MPA बराबर हमारा आया 40a + b का होल स्क्वायर, क्लियर, माइनस 5a² माइनस 10ab प्लस 16b², ठीक है। यहां तक आया 16b². अब हम लोग को बारी बारी से इंफॉर्मेशन हम लोगों ने गैदर कर लिया, एपी का और एमपी का, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट का। अब हमें बारी बारी से इसका वैल्यू को फाइंड करते हैं। व्हेन डी इक्वल टू, फर्स्ट ए का क्वेश्चन, व्हेन बी इक्वल टू 10 हेक्टेयर, जब 10 हेक्टेयर बी होगा तो एपी ए का वैल्यू क्या होगा, तो एपी ए हम लोग निकाले क्या आया, 40 by a टाइम्स a प्लस बी, और क्या है 12ab माइनस a माइनस 5a² माइनस 4b². अब यहां पर हमको क्या करना है, जहां जहां a b है वहां पर हमको 10 सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि सिंस b इज अ 10, तो क्या हो जाएगा a टाइम्स a प्लस 10। अब यहां क्या हो जाएगा, 12a × 10 माइनस 5a² माइनस 4 × 10 का होल स्क्वायर, तो आया क्या, 40 a टाइम्स a प्लस 10, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, 120a माइनस 5a², आई हैव 4, या 100 हो जाएगा 10 × 10, तो 400 हो जाएगा। तो ये हमारा जब एपी ए व्हेन बी इक्वल टू
क्या टेन ये आया। अब एमपीए क्या आ गया, मार्जिनल प्रोडक्ट व्हेन बी इक्वल टू 10 हेक्टेयर, तो उसको निकालते हैं। एमपीए इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला 40a + b का होल स्क्वायर -5a² -10ab + 16b². अब इसमें भी वही प्रोसेस रहेगा, जहां जहां b है वहां पर हमको 10 सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां हो जाएगा 40a + 10 का होल स्क्वायर -5a² -a × 10 + 16 × 10 का होल स्क्वायर। तो क्या है यहां पर 40a + 10 का होल स्क्वायर, यहां -5a² -100a + 16 × 10 = 100। तो हमको एमपी ए का वैल्यू व्हेन बी इक्वल टू 10। अब हम लोग को क्या निकालना है, व्हेन बी इक्वल टू 100 हेक्टेयर देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ एपीए एंड एमपीए। बी इक्वल टू 100, अगेन एपीए हमको लिखना पड़ेगा। क्या है भाई 40 times a plus b 12ab - 5a² - 4b². अब यहां करना है क्या, जहां जहां हमारा b है वहां 100 करेंगे, तो a times a + 100 क्लियर। अब यहां क्या है 12a × 100 और -5a² - 4 × 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 14a times a + 100। अब यहां क्या होगा 12 यानी 1200 है -5a². अब यहां 4b² तो 4 × 1 = 40, क्योंकि 100 को 100 से 2 बार 100 × 100 दैट मीन्स 10,000। तो आपका आ गया 40 times a times a + 100 40 by a into a + 100 times 1200a - 5a², ठीक है 40,000 4 × 40। तो हम लोग एपीए निकाल लिए, अब एमपीए निकालेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट व्हेन बी इक्वल टू 100 एम्पीयर। एमपीए 40a + b का होल स्क्वायर -5a² - 10ab + 16b². अब जहां जहां b है वहां 100 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 40a + b से a + 100² - -5a² - 10a × 100 + 16 × 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 40 by a + 100 का होल स्क्वायर -5a² - 1000a + 16 = 40। तो एपीए भी निकाल लिए, व्हेन बी इज 100 हेक्टेयर। तो ये सोल्यूशन कंप्लीट हम लोगों ने किया, जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा था। इफ यू कम फर्स्ट टाइम इन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इमीडिएटली इन ऑर्डर टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कोर्स मटेरियल। और मैंने इसमें
कुछ एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव का नोट्स है, आप अगर लेना चाहोगे। इसमें कंटेनिंग ऑफ 4 क्वेश्चन है, इच क्वेश्चन कॉस्ट 15 रुपीज, 15 फॉर द 60 रुपया पे करोगे। चारों ये एप्लीकेशन में आरजेडी एलएम की किताब जो अक्सर विनोबा भावे में आता है, वो क्वेश्चन आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा पीडीएफ फाइल में सॉफ्ट कॉपी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल इन। जय हिंद।